हीरों से कहीं और घर बना ले, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। ये शायरी महज अल्फाज नहीं है, ये है भारत की एकजुटता, जहां प्रधानमंत्री की एक आवाज एक अपील पर भारत के कोने कोने से हर कोई उनके समर्थन में खड़ा नजर आया। चीन के वुहान से शुरू हुई कोरोना की जंग ने धीरे धीरे अपने पैर पसारे और एक के बाद एक देश को अपनी चपेट में लेता चला गया। भारत भी कोरोना के साए से दूर नहीं रहा। देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में सामने आया था, जिसके बाद 1 और 2 फरवरी को भी केरल में 2 मरीज मिले। ये तीनों मरीज कुछ ही वक्त में ठीक भी हो गए। इसके बाद पूरे महीने भर देश भर में एक भी कोरोना वायरस का नया मामला नहीं आया, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था कि 2 मार्च के बाद से इस तरह से मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। आज भारत में 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें झारखंड में ही 4 कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच भारत की एकजुटता का लोहा दुनिया भी मान रही है। पहले ताली थाली और अब कल पूरे भारत ने मानो वक्त से पहले दिवाली मना ली हो। रोशनी से सराबोर भारत ये दिखा रहा था कि स्थिति कुछ भी हो, मौका कोई सा भी हो, लेकिन हम सब एक हैं। इस जंग में विजय होने का संकल्प हम सब ने लिया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने इस विपदा की घड़ी में पूरे देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा है, और आज भी विपक्षी दलों को इसमें राजनीति नजर आती है। आज वो कह रहे हैं कि ये दिए जलवा के प्रधानमंत्री जी मूर्ख बनाना चाहते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान से जब पूरे देश में जनता कर्फ्यू लग गया, तब हम लॉकडाउन जो उसके बाद हुआ उसके लिए मेंटली तैयार हो गए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश में एक अंधेरे का वातावरण है उसमें दिए के जरिए एक प्रतीकात्मक रोशनी करने का जो आह्वान किया है, पूरे देश को इसे संबल मिलेगा। पूरे देश के लोगों में लॉकडाउन से जो भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उससे निपटने का उनका जज्बा बढ़ेगा। तो हर एक चीज में राजनीति उचित नहीं होती, और खास करके जब आप इस तरीके से ओछी राजनीति कर रहे हो। तो कोरोना की इस लड़ाई में पीएम की अपील का जनता समर्थन तो करती नजर आई, हर ओर दीप जलते नजर आए, लेकिन बिहार की सियासत में लंबे समय से जो लालटेन भुजा नजर आ रहा था वो भी इस बीच जल उठा। दरअसल लालू की गैर मौजूदगी में राबड़ी आवास पर तेज प्रताप के साथ मां राबड़ी ने लालटेन जलाकर पीएम की इस अपील में अपना भी योगदान दिया। लेकिन इसके भी 2 पहलू नजर आए। एक तरफ राबड़ी देवी तेज प्रताप ने पीएम का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिए जलाने और थाली बजाने को लेकर पीएम पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसमें बीजेपी भी गलत थे, क्वारंटाइन करें अपने को पहले, अब तब दूसरे को शिक्षा दें। बात बनवाने की बात कि हमारा बात मान है ना, उससे नहीं है उसका मतलब। कोरोना से लड़ने के लिए दिया बताते बाती जला के तो हो गया क्या? सर, कहा किस डॉक्टर ने कहा है? सही है ना, ये सब बातें बेकार तो की है। ताली पिटी सर, कोरोना वायरस भाग जाएगा क्या? भले भगवान को मनाए हम लोग, इसलिए हम लोग सब कांग्रेस रघुपति राघव राजा राम गाए है ना, कि हे भगवान हमको रक्षा करना, देश को रक्षा करना, विश्व को रक्षा करना, हमारी भी रक्षा करना, झारखंड की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, लोगों के और विश्व के लोगों की भी रक्षा करना। गाड़ी घोड़ा जो बंद है, कोई आना जाना नहीं है, प्रदूषण के लिए करना है। लगता है मोदी जी सही तरीके से प्रदूषण बढ़ा, सही तरीके से संदेश नहीं दे पाए मोदी जी। कहते दिया जलाने सब लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए, पटाखा भाई रहा मोदी जी का, दीपक जलाने के लिए, लेकिन यहाँ तो एक स्टेप आगे लोग पटाखा जलाने लगे। बात था जलाना, दीपक जलाना, तो दीपक लालटेन के अंदर भी जल रहा है, लौ जल रहा है, निकल रहा है इससे, तो लौ से कितना बीमारियां भागेगा, महामारियां कितना भागेगा। दिए जले, रोशनी हुई, हर एक के अंदर पीएम का विश्वास नजर आया। भले ताली थाली और दियो से कोरोना को ना भगाया जा सके, लेकिन सबसे खुशी और गर्व की बात यह है कि आज जब पूरे देश में कोरोना का खौफ है,
ऐसे में लोगों ने पीएम की अपील को महज एक अपील न समझकर अपना कर्तव्य समझकर इसका पालन किया और अपनी एकजुटता का संदेश दिया। वह जो जब दिए जलेंगे तो वो स्वर जो विरोध का स्वर है वह दब जाएगा और इसे आम लोगों का यह मानना है कि इससे लोगों का उत्साह बढ़ेगा, लोगों का मनोबल बढ़ेगा और अभी एक जो एकजुटता से जो ऊर्जा जो पैदा होगा उससे निश्चित रूप से आप देखिएगा कि एक वातावरण तैयार होगा जिससे इसके जो विरोधी हैं वो शांत होंगे और कोरोना का जो भय है वो समाप्त ही नहीं होगा बल्कि लोगों का मनोबल बढ़ेगा और उस जो बढ़े हुए मनोबल से जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उससे कोरोना को हम लोग मात दे सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है आज के दिन के लिए। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पारा मेडिकल स्टाफ्स हैं, पुलिस फोर्स है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे लोग कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना को देश से ख़त्म करने के लिए एकजुट 24 घंटा काम जो कर रहे हैं, उनका कितना मनोबल, उनके प्रति आभार हम व्यक्त कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे 130 करोड़ जनता हैं उनकी एकजुटता, एक साथ, आप इसको सोचें कि एक मुखिया देश का आह्वान कर दिया तो 130 करोड़ जनता जो है उनके पीछे है, ये निश्चित रूप से इस कोरोना को, इस हमारे संकल्प से कोरोना को भगाएगा, देश की एकजुटता को एक करेगा। मन में विश्वास हो तो हर एक चीज से लड़ा जा सकता है, ये कहावत धीरे धीरे साबित होती नजर आ रही है। भारत एक साथ कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है और अब भारत एक साथ है।